माधुरी दीक्षित। फिल्म इंडस्ट्री में जिनकी पहली फिल्म 1984 की अबोध बेशक बॉक्स ऑफिस पर ना चली हो, लेकिन कैमरा से प्यार इतना हो गया था कि सोच लिया कि चाहे लीड रोल में फिल्म्स ना मिले, लेकिन इंडस्ट्री में रहना तो है। और फिर कई रोल्स कैरेक्टर आर्टिस्ट के तौर पर किए भी, जैसे 1985 की आवारा बाप, 1986 की स्वाति जिसमें मीनाक्षी शेषाद्री लीड रोल में थी, 1986 की कर्मा में एक डांस सीक्वेंस भी किया, और फिर आई 1988 में तेजाब। बहुत वक्त नहीं लगा जब माधुरी ने इंडस्ट्री में खुद की पहचान बना ली, सुपरस्टार का दर्जा भी हासिल कर लिया। लेकिन फिर क्या हुआ कि फिल्म दिल तो पागल है के लिए जब उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला तो उन्होंने सिर्फ यही कहा कि आई डेडिकेट दिस अवार्ड टू ऑल माई क्रिटिक्स। आज यही बताने वाली हूँ रील नहीं रियल स्टोरीज में। फिल्म तेजाब के हिट होने के बाद माधुरी की फिल्म्स आईं राम लखन और दिल, और दिल फिल्म के लिए जीता बेस्ट एक्ट्रेस के लिए माधुरी ने पहला फिल्म फेयर अवार्ड। और फिर उनकी ढेरों हिट फिल्म्स आई, खलनायक, थानेदार, साजन, प्रेम प्रतिज्ञा, राजा और बेटा, जिसके लिए एक बार फिर जीता उन्होंने बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड। हर साल कई फिल्म्स रिलीज हो रही थी इनकी। फिल्म हम आपके हैं कौन की सफलता को भला कैसे भुलाया जा सकता है। लेकिन फिर एक दौर ऐसा आया जब कई फिल्म्स एक के बाद एक फ्लॉप हो रही थी, कई बड़ी फिल्म्स जैसे याराना, महंता, राजकुमार, प्रेम ग्रंथ, ये बड़ी फिल्म्स थी। और अब ये कहा जाने लगा कि यंगर रोल्स के लिए माधुरी सूटेबल नहीं है। दौर बुरा था, अब ये भी कहा गया कि ये तो सिर्फ डांसिंग स्किल्स हैं जिसके लिए इन्हें फिल्म्स मिल रही हैं। माधुरी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि यूँ तो मुझे इन कमेंट्स से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, लेकिन फिर भी कभी कभी परेशान हो जाया करती थी, इरिटेट हो जाया करती थी। All that did not affect me at all. हाँ, कभी कभी इरिटेटिंग लगता था कि ऐसे क्यों कर रहे हैं, यू नो, why is everybody criticizing me all of a sudden? लेकिन I used to take that in my stride. जल्द ही फिल्म्स आई मृत्युदंड और दिल तो पागल है, जिसके लिए जीता एक बार फिर बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड। अवार्ड लेकर सिर्फ इतना कहा कि आई डेडिकेट दिस अवार्ड टू ऑल माई क्रिटिक्स। आई वुड लाइक टू डेडिकेट दिस अवार्ड टू माई सो कॉल्ड क्रिटिक्स हु हैव बीन हिंटिंग दैट आई शुड प्रोबब्ली पैक माई बैग्स और समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। आई थिंक दिस इज पब्लिक ओपिनियन। ये उनके लिए चौथा फिल्म फेयर अवार्ड था बेस्ट एक्ट्रेस के लिए। इसके बाद फिल्म देवदास के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड माधुरी के नाम हुआ। माधुरी कहती हैं, मैंने कभी अपने काम से बेईमानी नहीं की, सेट पर हूँ तो 100%, रोल कैसा भी हो, चाहे फिल्म से ज़्यादा उम्मीद ना हो, लेकिन मैंने अपना काम ईमानदारी से किया है। माधुरी एक बेहतरीन एक्ट्रेस हैं, एक बेहतरीन डांसर हैं, जिन्होंने कई दूसरे एक्ट्रेसेस को भी प्रेरित किया है, लेकिन इसमें भी कोई दो राय नहीं कि उनकी डांसिंग स्किल्स सोने पर सुहागा हैं। उनके एक्सप्रेशंस गाने को और खास कर देते हैं, जिसका श्रेय कोरियोग्राफर सरोज खान को भी वो देती हैं। इनके कई डांस नंबर्स ऐसे हैं जिन पर स्टेज पर कई बार परफॉर्मेंसेस दी जाती हैं, चाहे एक दो तीन हो, चने के खेत में, तू शायर है मैं तेरी शायरी, अखियां मिलाओ कभी अखियां चुराओ, माए नी माए, दीदी तेरा देवर दीवाना, मेरा पिया घर आया, और ढेर सारे गीत जिनके रीमेक भी बने हैं, जैसे एक दो तीन का रीमेक जिसे जैकलिन पर फिल्माया गया, तम्मा तम्मा जिसे आलिया और वरुण पर। आपको माधुरी का कौन सा गीत है जो बेहद पसंद है, या फिर आपने भी जिस पर परफॉर्म किया है, कमेंट्स में लिखिएगा।